पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने बता दिया था कि कार्नोट साइकिल वगैरह के बारे में मैंने आपको दिखवा दिया था, और मैंने बता दिया था कि कार्नोट साइकिल बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके बेस्ड कैसे कैसे टॉपिक्स थे, मैंने वो चीज़ें समझा दी थी। मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन क्या होता है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन क्या होता है और एडियाबेटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन क्या होता है। फिर उसके बाद जब वो चार टॉपिक मैंने बता दिए थे, उसके बाद मैंने फिगर बनाया था, फिगर मैंने आप लोगों को क्लियरली दिखा दिया था क्या था, आप लोग फिगर नोट कर लिए होंगे। उसके बाद आया था कि इसको सॉल्व करने के लिए जो रूल होते हैं वो क्या क्या थे, तो मैंने उसमें आपको पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन समझा दिया था स्टेप नंबर वन, और फिर मैंने स्टेप टू कराने के बजाय मैंने स्टेप थ्री करा दिया था क्या, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। क्यों? क्योंकि ये उसी के बेस्ड था, एकदम डिटो सेम था, मैंने वही काम करा दिया था। ठीक, क्लियर। आज मैं आप लोगों को उसी टॉपिक में स्टेप नंबर टू बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर, स्टेप टू रहेगा आज आप लोगों का। और अगर आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे आज की क्लास में तो कल का वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। आते हैं हम स्टेप टू पे। स्टेप टू क्या है? एडियाबेटिक रिवर्सिबल। पहला वाला है, याद रखिएगा, इससे एक्सपेंशन रहेगा, एक्सपेंशन, और नीचे वाले में आ जाएगा कंप्रेशन। ठीक है, ये आप लोगों का स्टेप टू है। स्टेप वन और स्टेप थ्री आप लोग नोट डाउन कर चुके हैं। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें हीट कैपेसिटी जो लगती है, द टोटल हीट कैपेसिटी, वो कांस्टेंट प्रेशर पर लगती है। द हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन बाय सीवी बराबर डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला गया, तो यहाँ वॉल्यूम वी रहेगा। ठीक, वी रहेगा। ध्यान से देखिएगा, एक चीज समझिएगा, ये डेल क्या होता है, डेल मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था। पार्शियल मतलब क्या होता है, अगर एक्स का है और कंपोनेंट भी एक्स का, तो एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो होगा, और उसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट जो वाई जेड होगा वो जीरो हो जाएगा, उसी का रिप्रेजेंटेशन होता है डेल। इसके बराबर आप लोगों का फॉर्मूला बनेगा सीवी बराबर सीवी डेल्टा टी। जानते रहिए डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी होता है आपका टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा टी आपका क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस। लिख लीजिए कैसे, सिंस डेल्टा टी बराबर आपका होता है टी टू माइनस टी वन, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट आप लोग का हो जाएगा सी वी बराबर टी टू माइनस टी वन हो जाएगा। क्लियर है, हमने वो वैल्यू यहाँ पर करके पुट कर दी। ठीक, तो डब्ल्यू बराबर आपका फॉर्मूला बनता है, डब्ल्यू बराबर टोटल वर्क डन W बराबर, अच्छा ये तो आप लोग इसे WBC भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ये वाला हम लोग निकालना है, ये AB था, AB निकल चुका है, BC हम लोग निकालना है, यहाँ ये हमें निकालना था, इसे BC भी कह सकते हैं। ठीक, तो WBC बराबर आपका फॉर्मूला बनेगा CV T2 माइनस T1, नोट डाउन कर लीजिएगा T2 माइनस T1 का फॉर्मूला, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आप लोगों का स्टेप नंबर टू है।
कार्नोट साइकिल का स्टेप नंबर 2, 1 और 3 पहले ही अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग 1, 3 उस पुराने लेक्चर में जाके देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 11 में। आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 12 है। नोट हो जाए तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नोट हो गया। थैंक यू अंतिमा, थैंक यू प्रश्ना, थैंक यू नंदनी, थैंक यू नमनी। ठीक है, तो आप लोगों का स्टेप नंबर 2 क्लियर है। स्टेप 1 और स्टेप 2 और स्टेप 3 हो चुका है। अब आते हैं हम लास्ट स्टेप पे। क्लियर, लास्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक रिवर्सिबल। एक्सपेंशन की जगह क्या जाएगा इस बार, कंप्रेशन। क्लियर, तो स्टेप 4 पे आते हैं लोग। स्टेप 4 कंप्रेशन, कंप्रेशन। क्लियर, एडियाबेटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। एक चीज याद रखिएगा, इस बार आप लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ निगेटिव हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जो फॉर्मूला बनेगा आपका CV बराबर, ये आपका जस्ट माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर, सारी चीजें सेम रहेगी, CV डेल्टा T सब चीज सेम रहेगा, फॉर्म ये रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, A to Z चीजें सेम रहेंगी। आपको डिटो नोट करना है, बस यहाँ एक टोटल वर्क डन जो डीसी था इस बार क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, डीए हो जाएगा या एडी कह सकते हैं, वैसे डीए ही लिखिए। और ये अपोजिट डायरेक्शन में जाने का प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर, ये बस इस फॉर्मूले में क्या रहेगा, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए माइनस 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 सीवी, यहाँ आ जाएगा आपका WDA बराबर माइनस CV T2 माइनस T1। क्लियर है, क्लियर आप लोगों का, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसीलिए मैं उस दिन स्टेप 2 नहीं करवा रहा था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं स्टेप 2 करवाऊंगा तो मुझे स्टेप 3 में फिर से उतना लिखना पड़ेगा, फिर से स्टेप 4 में उतना प्रोसेस करना पड़ेगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा चेंजिंग करा दिया, ताकि स्टेप 2 भी आप लोगों का जल्दी हो जाए और स्टेप 4 भी जल्दी हो जाए, और वो दोनों 1 और 3 एक साथ जल्दी हो जाए। ठीक है, क्लियर है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन हो जाएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। चमक तो नहीं रहा आप लोगों को, चमक रहा है, हम लोग ऐसे कर दें, क्लियर रहेगा। ठीक है, नोट हो गया। ठीक है, थैंक यू अंतिमा, थैंक यू एवरीवन।
आगे बढ़ते हैं। अब आपने कार्नोट साइकिल के चारों स्टेप को सॉल्व कर लिया, क्लियर है। अब उन्हीं के थ्रू टोटल वर्क डन निकलेगा, क्या निकलेगा, टोटल वर्क डन निकलेगा। मैंने पहले ही कहा था कार्नोट साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेंदी भी है। आपको ये सीधे सीधे 7.5 नंबर का क्वेश्चन है और पेपर में आना ही आना है, तो 7.5 नंबर जो उन्होंने 1 घंटे में तैयार कर लिया, क्लियर। आपको का 1 घंटे में 7.5 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया। तो ध्यान से देखिए, नाउ टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन निकालेंगे हम लोग। तो आ जाएगा W बराबर WAB प्लस WBC माइनस WCD माइनस WDA। कैसे ये प्लस है, ये दोनों, ये दोनों माइनस क्यों है, वही चीज ध्यान रखिएगा। ये प्लस, इधर प्लस, ये उल्टा प्रोसेस माइनस, ये उल्टा प्रोसेस माइनस, इसलिए ये दोनों माइनस में लिया गया आपके दोनों कंपोनेंट, और ये दोनों प्लस में लिए गए, क्लियर। ए बी सी डी, ध्यान रखिए ए बी आपका पॉजिटिव में है, बी सी आपका पॉजिटिव में है, सी डी आपका नेगेटिव है, और डी ए भी आपका नेगेटिव है, क्लियर। अब सबके पास वैल्यू पुट करेंगे और आपका वर्क डन आ जाएगा टोटल। तो W बराबर हो जाएगा आप लोगों का, पहले आने की वैल्यू पुट करेंगे RT2 log V2 by V1 प्लस WBC की वैल्यू पुट करेंगे CV T2 minus T1 clear माइनस, फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा RT1 log V4 upon V3 clear। फिर WDA की वैल्यू आप लोग पुट करेंगे आ जाएगा माइनस सीवी T2 माइनस T1 क्लियर है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, आपका ये कंपोनेंट पूरा इस कंपोनेंट से कट जाएगा, तो W बराबर आपका फॉर्मूला जो बनेगा वो हो जाएगा RT2 log e to the base V2 by V1 minus RT1 log e to the base V4 by V3 clear। ध्यान दीजिएगा उसमें माइनस आया था, ये प्लस हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा वो माइनस आया था कंपोनेंट, यहाँ जब माइनस करेंगे तो ये V3 बाई V4 हो जाएगा। आप पीछे देख लीजिएगा वाले वीडियो में कि जो आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो वो माइनस आया था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस करने के लिए जस्ट हम इसको इंटरचेंज कर देंगे तो V3 बाई V4 आ जाएगा। और मेनली जो आपका फॉर्मूला बनेगा डिफरेंस लगाने के लिए, तो आपका फॉर्मूला ये बनता है, यहीं से इतना तो मेनली वर्क डन हो गया आपका, कार्नोट साइकिल का वर्क डन हो गया, क्लियर। आर और टी आपका दिया रहेगा, V3 V1 दिया रहेगा, लेकिन जैसे अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में किया जाए कि फॉर वॉल्यूम, केवल अगर वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन रहे आपका, ऐसा लगता है V3 अपॉन V2 बराबर V4 अपॉन V1, अगर केवल वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और बाई चांस अगर आर और टी सब लोग गिवन रहेगा तो आप लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट हो जाएगा तो बता दीजिएगा, वहां कमेंट कर दीजिएगा नोट हो गया।
आप नोट कर लीजिए, नोट हो जाएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। बस इतना याद रखिएगा जब टेम्परेचर वगैरह सब दिया रहेगा तो वर्गडन का फॉर्मूला होगा कार्नोट साइकिल के रिस्पेक्ट में, जो आपके सामने बड़े ब्रैकेट में घेरा गया है, और बाय चांस अगर कार्नोट फॉर्मूला वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में गलत पूछता है तो नीचे वाले ब्रैकेट वाला आप लोग सॉल्व करेंगे। नोट हो गया होगा आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल से आते हैं आज हम लोग। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। कार्नोट साइकिल आप लोगों का टॉपिक खत्म हो गया, 7.5 नंबर में आपके पेपर में आएगा ही आएगा, तो इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगली हेडिंग है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी, इफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल्स, इफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल्स इफिशियंसी। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हद से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, हद से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर एक साल एक दो न्यूमेरिकल डाल ही देता है कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी से रिलेटेड। अगर यहाँ नहीं पूछेगा तो किसी कॉम्पिटिशन लेवल में जरूर पूछेगा ये क्वेश्चन, तो जानते रहिए इसका कैसे क्या है। डेफिनेशन जानते रहिए क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ हीट, द फ्रैक्शन ऑफ हीट, द फ्रैक्शन ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय अ मशीन और इंजन, एब्जॉर्ब बाय मशीन और इंजन, और इंजन और इंजन विच इट कैन कन्वर्ट इंटू वर्क। फ्रैक्शन ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाई योर मशीन और इंजन विच इट कैन कन्वर्ट इन टू वर्क। किसी भी मशीन और किसी भी इंजन के थ्रू हीट एब्जॉर्ब करके उसे वर्क में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, किसी भी मशीन या इंजन की हीट को एब्जॉर्ब करना, उसे वर्क में चेंज कर देना, आपने पढ़ा है कार्नोट यही करता है, तो उसी की इफिशियंसी इससे शो की जाती है। इसके बराबर आपका दो फॉर्मूला होता है, जानते रहिए, W नीटा बराबर होता है, नीटा क्या होता है ऐसे लिख देगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नीटा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नीटा। देख लीजिए ऐसे लिख देगा, फॉर वॉल्यूम इसका जो फॉर्मूला होता है नीटा बराबर वो होता है ऐसे नहीं, फॉर हीट लिख लीजिए पहले, सबसे ज्यादा जो पूछा था फॉर हीट, फॉर हीट
इसका फॉर्मूला होता है वन माइनस क्यू वन बाई क्यू टू, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो होता है फॉर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है इसका, नीटा के बराबर वन माइनस टी वन अपॉन टी टू। ये दो फॉर्मूले आप लोग नोट कर लीजिएगा, यही क्या कहलाती है कार्नोट की हीट एफिशिएंसी। ठीक, बहुत ज़्यादा पूछा था कि कार्नोट की हीट एफिशिएंसी निकालिए, तो ये चीज़ ये मैंने ठीक सही कहा जाता है कार्नोट की हीट एफिशिएंसी। नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। नोट डाउन हो जाएगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू अंतिमा, थैंक यू साक्षी, थैंक यू नंदिनी, थैंक यू एवरीवन, अफसाना, अमिता, इनमनी, सबका थैंक यू। नोट हो गया आप लोगों का, तो आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इसी के न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आप लोगों का लेक्चर नंबर 13, उसमें आप लोगों को कार्नोट की एफिशिएंसीज के न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे। उसमें ये इस फॉर्मूले को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो पूरा लेक्चर केवल न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा। तो जो लेक्चर नंबर 13 रहेगा उसमें आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेक्चर नंबर 14 में अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, और जितना ज़्यादा जल्दी हो सके 1000 सब्सक्राइबर करवाने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।